आप देख रहे हैं जालम व्लॉग्स। आज है मातृदिवस। पहले तो सभी देशवासियों को मातृदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मातृदिवस पर लोग क्या बोलेंगे, आइए आपको लोगों से मिलवाते हैं। देख रहे हैं मेरे साथ अजय सिंह सागर खड़े हैं, जो कि कुशीनगर में एक सरकारी टीचर हैं, जो कि आज आपको माँ के ऊपर कुछ बताएंगे। जी बताइए कि जी माँ एक रिश्ता कम और आई थिंक बहुत गहराई में एक भावना और फीलिंग ज़्यादा है मेरे हिसाब से। जैसे कि माँ और बेटे के बीच जो प्यार है वो एक इटरनल लव है, वो नेचुरल लव है, वो क्रिएटेड नहीं है, मतलब वो थ्रू द थॉट्स नहीं है, वो एक्चुअल लव है नेचर के द्वारा। जैसे जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो जैसे हमें ये फील होता है हमारा हाथ है, ऐसी माँ को फील होता है ये कोई और नहीं है, ये मेरा ही अंग है। उसे बेटे के साथ ये फील आता है ये कोई और नहीं है, ये मेरा ही अंग है। तो यहाँ से जब अंग से अपने जो रियल लव निकलता है, दैट इज़ द नेचुरल लव, ये माँ का प्यार है, ये नेचुरल लव है, ये इटरनल लव है। यस, जैसे कि मेरे दोस्त, माँ कुछ खाए बिना अपने बच्चों को रख सकती है? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको यही एहसास हो जाए कि ये आप ही हो, तो आप इसका कितना ध्यान रखेंगे, बहुत अल्टीमेटली आप ध्यान रखेंगे इसका। तो माँ को बेटे के साथ ये फील होता है कि ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ। तो वो हर प्रकार से ध्यान रखेगी, खाने से लेकर, उसे महसूस ही नहीं होता है कि ये कोई दूसरा है, उसे ये महसूस होता है कि मैं ही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है आज मातृदिवस है, मैं आया था अपने दोस्त रोहित पाठक की दुकान पर, जो कि आज आपको माँ के ऊपर कुछ लाइनें बताए हैं, आइए मिलते हैं उनसे। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, माँ ही हमें जीवन की राह दिखाती है। कभी अगर खाना ना खाऊं तो जो बस्ती खिलाती है, कभी गलत काम करके हम डांटती भी है, खुद तो सिंपल रहती है पर मुझे स्मार्ट बना के रखती है। सही माँ को माँ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दिवस है, मैं आया था ब्राइट कंप्यूटर में, यहाँ पर काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे आपको आज मिलवाते हैं, वो माँ के ऊपर क्या लाने बोलेंगे, आइए आपसे उनको मिलवाते हैं। मैं दो लाइन अपनी माँ के लिए गाना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे माँ बलहारी है, ओ माँ। मैं आया था अपने दोस्त हर्ष गुप्ता के घर पर, जो कि आज वो तो घर पर नहीं है, उनकी सिस्टर घर पर है और उनकी भाभी जी आज घर पर है, जो कि सामने मेरे बैठी हुई हैं, आज आपको इनसे मिलवाते हैं, वो आप आज आपको माँ के ऊपर कुछ बताएंगे। जी बताइए कि हाय, मैं हूँ राधा गुप्ता, आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के मौके पे मैं मेरी मम्मी और सारी मदर्स के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। और माँ सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, सबकी लाइफ का एक हिस्सा होती है, तो आज मदर्स डे के दिन पे उन सभी को इम्पोर्टेंस दे, आज ही नहीं बाकी पूरी लाइफ उनके लिए एक इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ आज ही नहीं हम उनको एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना अपनी लाइफ के लिए, वो रोज़ ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करती हैं, हमारे लिए काम भी करती हैं, घर पे भी काम करती हैं, कुछ मम्मी बाहर भी काम करती हैं हमारे लिए, तो उन सभी माँओं को बहुत बहुत थैंक यू जो हम सब के लिए इतना मेहनत करती हैं, काम करती हैं, सेक्रीफाइसेस भी करती हैं, हाउस वाइफ होती हैं और सबकी लाइफ में सबके लिए मम्मी होती हैं इम्पोर्टेंट, और हर घर में मम्मी ही होम मिनिस्टर होती हैं, मेरे घर पे भी मेरी मम्मी होम मिनिस्टर हैं, और बस यही सब है माँ के लिए, और माँ के लिए जितना भी बोलो सब कम ही है। और कुछ बोलना चाहूँगी,
हालातों के आगे सब साथ ना जुबा होती है, हालातों के आगे सब साथ ना जुबा होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। तो मम्मी के लिए हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय मदर्स ब्यूटीफुल मम्मा। जैसा कि आपको मालूम है आज मदर्स डे है, मेरे बगल से बैठी है मेरी भाभी काजल गुप्ता, जो कि आपको बताएंगी आज माँ के ऊपर कुछ लाइनें। जी बताइए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए तो बहुत कुछ, माँ घर की रौनक होती है, माँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस करती हैं, हम कुछ बोलें या ना बोलें वो हमारी खामोशी को भी समझती हैं। माँ के लिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, हाँ इतना कर सकते हैं कि जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा है, सब कुछ दुनिया सीखी है, तो उनके लिए हमारे वजह से कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए, वो हमेशा खुश रहें, इतना ही। मैं आया हूँ मौसम खान की दुकान पर, जो कि एक रेडियम आर्टिस्ट का काम करते हैं और जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट कलाकार हैं। आपको माँ के बारे में कुछ शब्द आएंगे, चलिए उनके मुंह से सुनते हैं। तपते बदन पर भीगा रुमाल रखती है माँ, कितनी शिद्दत से मेरा ख्याल रखती है। मेरे साथ खड़े हैं आयुष दुबे, जो कि MLB इंटर कॉलेज में 10th क्लास में पढ़ते हैं। आज आपको माँ के ऊपर कुछ बताएंगे, बताइए। माँ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लेडीज है जो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। पिताजी कहीं बुलाते हैं बच्चे को तो अपने उस तरीके से बात करते हैं, माँ यही कहेगी बेटा किधर हो, घर पे आओ। माँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, माँ के बिना आदमी जी नहीं सकता, माँ की ममता ही सब कुछ। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम है आज है मातृ दिवस। मैं लोगों के पास गया, लोगों की भाषा सुनी, लोगों की भाषा शैली देखी हमने। आज माँ के बारे में लोगों ने क्या क्या बताया इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल जानम ब्लॉग को सब्सक्राइब।